बिना भी एक आदमी सामान बेचने वाली लड़की को चिढ़ता है, लेकिन सोचता है कि वो मर जाएगी लेकिन स्वीकार नहीं करेगी। इसी पेशो-पेश में उसका सर गिर जाता है। वहाँ एक दाग है जिसे देखकर वो आदमी तुरंत घूम जाता है। वो जमीन पर पैसे के दो टुकड़े फेंकता है और चला जाता है। फर्श पर पड़े पैसे को देखकर महिला के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जिंदगी के दबाव में उसे अपना सिर झुकाना पड़ता है। उस महिला का नाम है यूनही। 15 साल पहले उसकी आवाज बहुत मधुर थी। जब अभी वह स्टेज पर खड़ी होती अपनी ओर सबका ध्यान खींच लेती, फिर भी एक अंधेरे कोने में एक निगाह थी जो उसे घूर रही थी। इस महिला का नाम है सियोजिन। वो स्थानीय बड़े आदमी की बेटी है, लेकिन किसको पता नहीं था कि ट्रॉफी देते समय प्रतिभाशाली यूनही को इनाम नहीं मिलेगा। इसके बजाय सियोजिन ने पहला इनाम जीता। उनकी चकराती हुई आंखों में देखते हुए उसे कौन समझ सकता था, यूनही उसे एक कमरे में ले गई। उन्होंने तर्क किया और झगड़ पड़ी। तुम सोचती हो कि किसी को नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने क्या किया है? एक चेयरमैन की बेटी जिसके पास टैलेंट नहीं है लेकिन ट्रॉफी जीत गई। यह जानकर कि उनकी दुश्मनी अच्छी है, उसकी शर्म गुस्से में बदल गई। सियोजिन ने अपनी ट्रॉफी उठाई और यूनही की ओर लहराई। चमी को उखाड़ने की आवाज आई। लगातार खून निकले जा रहा था। यूनही की जान खतरे में थी। उसका खून निकलता देख कर सियोजिन घबराई नहीं बल्कि धीरे से यूनही के पास आई। उसके खून में अपने हाथ डुबोए और अपने चेहरे पर लगा लिया। जब तक कोई कमरे में आता यूनही की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर किसी ने सियोजिन की मदद की जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। यूनही को पूरी तरह बुला दिया गया। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसका वोकल कॉर्ड पूरी तरह खराब हो गया। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके सभी दोस्तों ने उसे नजरें घुमा ली। किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। अपने गुस्से में उसे सियोजिन की ओर देखा। कानून ने उसकी रक्षा की, स्कूल ने उसका पक्ष लिया। यूनही एक बार फिर जमीन पर गिरा दी गई। उसके घाव से खून निकलने लगा। खून लगातार निकल रहा था। वह चिल्लाती रही लेकिन किसी के असर नहीं हुआ, क्योंकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। 15 साल बाद सियोजिन अभी भी आराम की जिंदगी में है, जबकि यूनही अभी जीवन में संघर्ष कर रही थी। वह आखिर काम करके घर आती है, लेकिन उसके जीवन में परेशानी आती है। उसकी बेटी गुपचाप गाना सीख रही है। यह उसे अपने दुखद अतीत की याद दिलाता है। गरीबों को कोई हक नहीं है। बिना कारण बताए वो बेटी की किताबों को फाड़ देती है। बेटी को उसके अतीत के बारे में पता नहीं था। वह चिल्लाना शुरू करती है, मैं गाने को मरे जा रही हूँ, तुमने मुझे क्यों रोका? अगर तुम फिर से गाना गाओगी तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। लेकिन रोहा जो अपनी जवानी में कदम रख रही है अपनी मम्मी के शब्दों को गंभीरता से नहीं लेती। कक्षा में लड़की गाने का अभ्यास करती है। उसके सुंदर लुक को देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा गाती है। लेकिन इसी समय वह दरवाजे से किसी की आवाज सुनती है। वह उस व्यक्ति का पीछा करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। शाम को आरामदायक म्यूजिक रूम में रोना अकेले अभ्यास करती है। उसकी आवाज बहुत शानदार है, वह उसके प्रदर्शन पर आतिशबाजी होनी चाहिए। वही दरवाजा खोलता है और रोना गाना बंद कर देती है। तुम्हें मेरे प्रैक्टिस रूम का काम लेने की अनुमति किसने दी? यह स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस रूम है, यह तुम्हारा घर नहीं है। स्कूल जाते समय पैसा नहीं होने के कारण रोना के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय अभ्यास के इंतजार के समय कान लगाकर सुनने की, क्योंकि उसके परिवार के पास नहीं है। बस स्टूडेंट का अभ्यास रूम इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि इसे धमाल लड़कियां काम में लेती है। जैसा कि कहावत है, गरीब लेकिन काया नहीं। उसकी जिंदगी में जितने लोग कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो उतना ही ज्यादा आप करते हो। इसी प्रतियोगिता में मैं जीतूंगी, कृपया अपने मम्मी पापा पर भरोसा मत करना। लेकिन रोना पैसे की ताकत के आगे झुक जाती है। स्कूल के बाद जेनी ने अपनी माँ को रोना के बारे में बताया। यह जानकर कि उसकी बेटी को तंग किया गया है वो बहुत नाराज हुई। उसे रोना के परिवार के बारे में पूछा और चुपचाप स्कूल जाकर यह योजना बनाती है। रोना को अपनी आवाज उसकी माँ से मिली थी। वो बहुत सुंदर आवाज बना सकती है, लेकिन पास ही खड़ी जेनी जानती है कि उसकी आवाज इतनी अच्छी है। वो कोई रास्ता ढूंढती है। आर्ट रूम में जाकर वो लाल रंग की ट्यूब को देखती है और अपना खेल खेलती है। ऑफिस में महिला रोना को चिल्लाते हुए देखती है जबकि जेनी कुर्सी पर बैठी है, नाटक करती है जैसे कि उसे जहर दिया गया है। यह समाचार सुनकर यूनही स्कूल आती है, लेकिन एक ऐसी पावरफुल महिला का सामना करना स्कूल भी जिसके पक्ष में है। चाहे रोना ने कुछ न किया हो उसे हर चीज स्वीकार करनी पड़ती है। महिला उन दोनों को पीटना शुरू करती है, लेकिन जब रोना बचाव करती है तो स्कूल उसके रोकने की कोशिश करती है। पैसे वाले इतने निर्दयी हो सकते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। अपनी बेटी को स्कूल से निकाल जाने की बात सुनकर निराश माँ के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय खड़े होकर अपनी बेटी की आशा भरी आंखें देखकर वह लड़ नहीं सकती है। वह बैठ कर दया की भीख मांगती है। रोना की भी यही हालत है। अपनी माँ को ऐसा करते देखकर एक जिम्मेदार जवान लड़की या तो मर जाए या आत्मसमर्पण कर दे। वह निर्दोष है तो उन्हें माफी क्यों मांगनी पड़ रही है? मम्मी आप मेरे भरे हुए पापा से भी बुरे हो। जब रोना जाती है मम्मी जमीन पर बैठ जाती है। वो पूरी तरह बेचारी महसूस करती है। हालांकि स्कूल में प्रिंसिपल उनकी मदद करना चाहता है। जेनी जिसको जहर दिया गया वो ऐसे कैसे बात कर सकती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन माँ बेटी के चेहरे देखकर मेरा मन कर रहा है कि उनके गुस्सा मार दूं। रोना सीखना बंद करने के बाद भी अपने सपने को खत्म नहीं करती। वह आरामदायक बिल्डिंग में जाती है। उसके सामने वाली महिला वो इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। वह प्रसिद्ध गायिका है। रोना चाहती है कि वो उसे गाना सिखाए, लेकिन चूंकि वह गरीब है महिला कोई रुचि नहीं दिखाती। वह माफी मांगती है और चली जाती है, लेकिन रोना हार नहीं मांगती। उसे पूछे बिना वह गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। यह आवाज उसे 15 साल पहले की रात की याद दिलाती है। मुंह का एक कोना अचानक कांप उठता है एकदम वैसे ही। उसी समय यूनही दरवाजा खोलती है। तो मुझे बताया बिना बाहर कैसे आई? अपनी पुरानी दुश्मन को देखकर उन्हें अचानक पुरानी याद आ गई। उसकी माँ उसका सामना नहीं करना चाहती है। वह रोना को कमरे से बाहर ले जाना चाहती है, लेकिन रोना उसे फर्श पर गिरा देती है। दीवार पर ट्रॉफी देखकर वह सोचती है कि यह उसकी होनी चाहिए थी। उसके घाव फिर हो जाते हैं। अभी वह एक सांप की तरह दिखती है। उसके पास जो है वो केवल उसका शरीर है। स्कूल की प्रतियोगिता में वो निर्दयी जिसने अपनी साथी पर आरोप लगाया था वो पोलियो में खड़ी है, जबकि
निर्दोष होने की माँ बेटी दोषी बन जाती है। महिला उसे डांटती है, टीचर उसकी बात मानती है, मीडिया ने गलत खबर फैलाई, हर किसी ने उसकी आलोचना की। बेकार उसका गुस्से वाला अंदाज, माँ के में देख नहीं सकते हैं। क्या वे वाकई दोषी है? बिल्कुल नहीं। चारों ओर विकार से चेहरे देखकर यूरी को बहुत गुस्सा आता है। क्या मेरी बेटी को मेरी तरह भुगतना पड़ेगा? क्या उसे अपना सिर झुकाना पड़ेगा? क्या उसकी जिंदगी भी ऐसे ही पीड़ित होगी? यूरी अचानक खड़ी होकर चिल्लाती है बिना किसी संकोच के। वह टीचर के सामने के दांत क्यों मारती है? उसे किसी की दया नहीं चाहिए। इसके बाद उसे अर्जुन के कमरे में जाती है। यूरी ने युद्ध शुरू कर दिया था। पुराने समय में वह कमजोर सी थी, लेकिन आज वह नहीं भागेगी। जो दाग उसे हमेशा छिपाए उसके लिए कुछ नहीं है। तुम मुझे मरने तक नहीं मार सकती। एक महिला जो विश्वासी है, मजबूत है, उदार है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। क्या वह अपना बदला लेगी? कहीं जाते हुए यूनी एक जाने पहचाने पोस्टर को देखती है, जब रियल एस्टेट एजेंट थी। यूनी उस लड़की से मिलती है, उसका प्रेमी कांग्रेस का सदस्य, और वह यूनी को छेड़ता है। वह चुपचाप विला में जाती है, एक कैमरा लगाती है और चली जाती है। अपनी बेटी के कारण आज वह सब कुछ करेगी। इसका परिणाम किसी के भी धैर्य को निराश नहीं करेगा। इसके कुछ दिनों बाद लड़की आती है। यूनी के पास उस सेनेटर के लव अफेयर का प्रमाण था। वीडियो का शुक्रिया। यूनी को अच्छा खासा पैसा मिलता है। प्रिंसिपल अपना भद्दा चेहरा छिपा लेते हैं। अब से वो अपना बदला कैसे लेगी? अगर आप जाना चाहते हैं तो कृपया यह ड्रामा जरूर देखें।